बांग्लादेश हिंसार नुआ रूप संख्यालघु हिंदूं ऊपर आक्रमण सहित भारत विरोधी बर्बरता देखा मिलू। मुजीबनगर में थिबा इंडियन मेमोरियल कॉम्प्लेक्स को भारत विरोधी तत्व भांगी देखरी युद्ध में पाकिस्तान आत्मसमर्पण करने नहीं चुक्ति स्वाक्षर करुवा प्रतिमूर्ति को भांगी देखरी शहीद मेमोरियल कॉम्प्लेक्स प्रतिमूर्ति जो युद्ध बांग्लादेश को नुआ स्वाधीन देश भाव में प्रतिष्ठित कर तार मुख साक्षी को भांगी दिया जाइछि। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ट्वीट करी एहा को कठोर शब्द रे निंदा करिछंती। भारतीय संस्कृति केन्द्र मंदिर एवं हिंदूं बासगृह उपर आक्रमण दुखदायक बोली कहिछंती। देशर अस्थिरता भितरे अल्प संख्यक हिंदूं उपर आक्रमण हेउछि। शेख हसीना को सरकार पतन परे बांग्लादेश रे रहुतुबा हिंदूं उपर आक्रमण बढ़िछि। घर एवं मंदिर को टार्गेट करा जाउछि। बांग्लादेश रे रहुतुबा हजार हजार संख्यार हिंदू रास्ता को ओल्हाई एहार प्रतिवाद करिबा सहित अंतरीण सरकार को सुरक्षा मागिछंती। हिंदूं उपर आक्रमण को अंतरीण सरकार मुख्य मोहम्मद यूनुस जघन्य अपराध बोली कहिछंती। हिंदूं को सुरक्षा पई आह्वान देवा सहित हिंदू छात्रों सहित बैठक डाकी हिंदू को सुरक्षा उपर बैठक फोकस अच्छे। बांग्लादेश रे हिंसार नुआ चित्र आसुची। संख्यालघु हिंदूं उपर आक्रमण सहित भारत विरोधी बर्बरतार चित्र आसुची। मुजीबनगर थिबा इंडियन मेमोरियल कॉम्प्लेक्स को आंदोलनकारी भांगी देछंती। हिंसा रे व्यापक क्षतिग्रस्त हो 1971 युद्ध में पाकिस्तान आत्मसमर्पण करने चुक्ति स्वाक्षर करुवा प्रतिमूर्ति जहाँ रही भांगी देखते विक्षोभकारी। 1971 शहीद मेमोरियल कॉम्प्लेक्स रे यह प्रतिमूर्ति स्थान पाई जो युद्ध बांग्लादेश को नुआ स्वाधीन देश भाव में प्रतिष्ठित कराई तार मुख साक्षी को भांगी दि जाइए। कांग्रेस सांसद क्षोभ प्रकाश कर शशि थरूर ट्वीट कर कठोर शब्द से निंदा कर। प्रोफेसर समरेन्द्र बासा अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ आलोचना पे अच्छा। प्रोफेसर बसा स्वागत करुच आलोचना को। ये चित्र को देखी कौन कह पारे सुरक्षा मागिच हिंदू बांग्लादेश रे दिन कु दिन एवं अंतरण सरकार पर हिंसा तीव्र हो देखो जिते बड़े कोटा उच्छेद आंदोलन आरंभ होता है धीरे धीरे गोटे उग्र रूप नाला अत्य उग्र रूप नहीं सरकार चेंज है प्रधानमंत्री देश छाड़े अंतरीण सरकार गठन है किंतु एवं आंदोलन रूपरेख बदली हिंदू मान आक्रमण तेजी और कट्टरवादी जो से हिंदू मान अटैक करे आम देखा बर्तमान जो 17 कोटी पपुलेसन बांग्लादेश रे पाखापाखि कोटी 35 लाख हिंदू अच्छा 64 जिलूर 61 जिले में हिंदू रहा बर्तमान जो आम देखु जो अटैक मोड अच्छा हिंदू मान तेणु हिंदू मान डिमांड्स वर्तमान रही आंदोलन में 5-6 डिमांड्स मैंने रखी जमीक संसद में अलग मंत्रालय हिंदू कर 10% रिजर्वेशन रो पार्लियामेंट एवं हिंदू मान सुरक्षा दि जाऊ जो मैंने अटेक कर दंड दि जाऊ डिमांड्स नहीं कि रास्ते ओं तेरे हिंदू मान जो अटैक को नहीं सारा पृथ्वी बर्तमान विचलित समस्त चिंतित जोटी जो हिंदू अच्छा से आंदोलन करु कथा या बर्तमान जिते बड़े अमेरिका एवं इंग्लैंड जिते बड़े सहमति प्रकाश करते यूनुस सरकार को यूनुस सरकार वर्तमान नाकाम होती शांति रक्षा करने अवश्य गोटे आश्वासना मिलू पुलिस मैंने जो स्ट्राइक जो डिमांड था अंतरिम सरकार मान जाती से बर्तमान आउ थे ड्यूटी को जॉइन करें घोषणा करेणु जदि पुलिस आसी ठेकार जॉइन करे बांग्लादेश सारा पुलिस जॉइन करे तेज हिंदू मान जो बर्बरता जो कांड हो प्रत्येक जगार रोकवे समर्थ स्मृति रही है उज्जीवित हो रही है जिते कि बांग्लादेश नुआ रूप नहीं नूतन भाव में जन्म लाभ करता जिते पाकिस्तान मध्य स्वतंत्र होता किंतु ता परवर्ती मुहूर्त में आज निश्चिन्न होगा बसी निहाती जितेबाला आम देखी 20-25% 30% पर्यंत हिंदू थे 1971-75 बर्तमान 2024 आसी 8% पहुंची अर्थात धीरे धीरे सेठे गोटे प्रकार भयर वातावरण होयभीत होगा लगे हिंदू और धीरे धीरे संख्या कमार लगी तेणु ये जगह गोटे चिंतार विषय जो बर्तमान मोहम्मद यूनुस सरकार गोटे स्टेप जदि न निंती हिंदू मान प्रति गोटे आईन जदि न करती जहाँ जहाँ डिमांड सांस फिलअप जदि न करती तेज निहाती भाव में आगामी दिन में विद्रोह तेजी और यूनुस सरकार को बर्तमान जो तीन मास सरकार समाधान करने गोटे काठिकर पाठ हो कारण बर्तमान कट्टरवादी मान काठपुतली भाव में हे तो सी बर्तन सैलेंट अच्छा कौन डिसीजन दे पार ना जहां से जयन बेले कही जो 6 तारीख दिन से कही सांगे सांगे जी कि ढाका को पलि बाहर लोक यूनुस कितु से उदारवादी चिंताधारा कही समस्त
ଯାହା ଦାବି ରହିଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଦାବି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପୂରଣ ହେଇନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ କେବଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ ଯଦି ରହେ ତାହେଲେ ହେବ ନା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସାର୍ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଆବଶ୍ୟକତା ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ତାହାକୁ କେମିତି ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ସରକାର ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ୟୁନୁସ୍ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କଟ୍ଟରବାଦୀମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି କଟ୍ଟରବାଦୀମାନଙ୍କର ହାତରେ କିରଣ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ଆସି କଥା କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମାଧାନର ବାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାହାରି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦାରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ହେବ କି କଟ୍ଟରବାଦୀଙ୍କ ହାତରେ ରହି ସେଇଭଳିଆ ଖେଳ ଯେଉଁ କାଠପୁତଳି ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯିବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କହିବ ସାର୍ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି ଏ ସରକାର ହାତରେ ହିଂସା ପ୍ରଶମିତ କରିବାର କୌଣସି ସୂତ୍ର ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହାଶକ୍ତିମାନେ ପଛରୁ ତାକୁ ଫିଡିଂ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଆମେରିକା ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ବ୍ରିଟେନ୍ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେପଟୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଢାକାରେ ଏବଂ ସରକାର ଗଠନ କରି କଟ୍ଟରବାଦୀ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଦେଖନ୍ତୁ 17 ଜଣ ଭିତରେ ଉଦାରବାଦୀ ନେତା କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ବା ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସରକାର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଯିବ ବା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିବ ତାହା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ୁ ନାହିଁ କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏପରି ଟର୍ଚର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ କମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ସାର୍ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସମରେନ୍ଦ୍ର ବସା ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ